अच्छा, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, तो इसमें ब्रोमीन वाटर तो नहीं करवाया था ना मैंने? अच्छा, मतलब हेलोजिनेशन का करवाया था। अच्छा तो बेटा एडिशन रिएक्शंस, अब अल्किन देखिए, अल्किन के एडिशन रिएक्शंस कंटिन्यू हुई है, ये पढ़ रहे हैं हम। और उसमें आज हम पढ़ते हैं, अब नंबरिंग मुझे याद नहीं है, इसलिए पता नहीं कौन सी नंबरिंग है, 5, 6, 5। अच्छा अब है एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड। देखो एडिशन किसकी, हाइपोहेलियस एसिड की, हाइपोहेलियस एसिड, इसको लिखा जाता है बेटा HOS। क्या लिखेंगे हम, HOX, ठीक है। अच्छा तो अब अगर X जो है वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या क्या है, आयोडीन है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम होगी, तो X के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी पॉजिटिव, और OH के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी नेगेटिव। सपोज करते हैं ये HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपो क्लोरियस एसिड, या HOBr, हाइपोब्रोमियस एसिड, ये आपने ऐड करना है, या कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अब देखो इथीन, इथीन है और प्लस HOBr, हाइपोब्रोमियस एसिड। अब क्या होगा इसके अंदर, हाइपोब्रोमियस एसिड जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो सबसे पहले अटैक करेगा Br, क्योंकि अल्किन में ये होता है कि अल्किन न्यूक्लियोफाइल है, उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसी पर अटैक पहले कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अगर इसका मैकेनिज्म देखो तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल। तो एक कार्बन पे Br लग जाएगा, दूसरे पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो एक कार्बन पे आप लगा दें Br और दूसरे कार्बन पे आप लगा दें OH। अगर इस पर Br लगा देते तो इस पे OH लगा देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, अल्किन भी है सिमेट्रिकल है, ठीक है। और ये बन जाएगा इथेन ब्रोमोहाइड्रिन, कॉमनली वैसे इसको कहते हैं इथेन हेलोहाइड्रिन, इथेन हेलो मतलब हेलोजन है, इथेन क्लोरोहाइड्रिन ब्रोमोहाइड्रिन, अगर क्लोरीन लग जाए तो। या इसको पढ़ेंगे यहां से नंबरिंग करते हैं 1, 2 ब्रोमो इथेनॉल, क्योंकि जो प्रायोरिटी होती है बेटा, जो ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं किसको देते हैं, अल्कोहल को देते हैं, तो नंबरिंग हम अल्कोहल से करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब इस तरह आप HOCl भी ऐड कर सकते हैं, तो क्या होगा, एक कार्बन पे OH, दूसरी पे CH, ठीक है। अच्छा अब आते हैं रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर एंड क्लोरीन वाटर। देखो रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर, और ब्रोमीन वाटर, देखो क्लोरीन वाटर या ब्रोमीन वाटर, तो इसमें ये होता है कि क्लोरीन पहले रिएक्ट करता है वाटर के साथ, देखो क्लोरीन पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है, और बनाता है HCl और HOCl। अच्छा देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे
जीरो है और एच सी एल में है माइनस वन, तो क्या हो गया इसके अंदर, इसके अंदर हो गई है रिडक्शन, और क्लोरीन जीरो से यहां पे हो गया प्लस वन, तो यहां पे हो गई ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडेंट भी हो गया, इसको हम कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। देखो बेटा ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, इसका मतलब यहां पे क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। अब आते हैं ब्रोमीन, जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बनाएगा HBr और दूसरा बनाएगा HOBr, हाइपोब्रोमियस एसिड, हाइपोब्रोमियस एसिड। अब यहां पे ब्रोमीन क्या है, जीरो है, यहां पे क्या हो गया माइनस वन, तो क्या हो गया इसके अंदर रिडक्शन, यहां पे ब्रोमीन जीरो, यहां पे ब्रोमीन है प्लस वन, तो यहां पे क्या हो गया इसके अंदर ऑक्सीडेशन। अब अल्कीन जो है, सुन लो, अल्कीन जो हमारी पुरानी किताब है, जो हमारी प्रीवियस बुक थी, उसमें अल्कीन का रिलेशन HCl के साथ भी है, HOCl के साथ भी करवाया, इसके साथ HCl के साथ भी, HOCl के साथ भी रिलेशन करवाया हुआ पुरानी किताब के अंदर। अब जो नई किताब आई है, नई बुक में ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर का जो रिएक्शन अल्कीन के साथ करवाया गया है वो किसका करवाया गया है, HOBr का करवाया गया है। तो आप देखो इसमें इथीन, ये इथीन है प्लस Br2 प्लस वाटर, तो इसका मतलब है यहां पे Br2 प्लस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्वेंट समझे रिएक्टर हो गया। देखो इन दिस रिएक्शन सॉल्वेंट वाटर इज रिएक्टेंट, मतलब वो सॉल्वेंट जो वाटर वो भी क्या रिएक्टेंट है, क्योंकि Br2 के लिए वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है ना वो। देखो Br2 क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है और क्या बना रहा है, HBr और HOBr। अब जो बुक में रिएक्शन करवाया गया वो किसका करवाया गया, सिर्फ HOBr का करवाया गया, किसका, क्योंकि ये ब्रोमीन और वाटर दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, HOBr बनाएंगे, दूसरा क्या बनाएंगे, HBr। तो रिएक्शन करवाया गया है किसका, HOBr का, उसका मतलब है एक कार्बन पे OH, एक कार्बन पे OH और दूसरे पे क्या लगेगा Br, और बाकी क्या बचा, बाकी बचेगा HBr, बाकी क्या बचेगा HBr को प्रोड्यूस करने पर, और ये बन गया 2-bromoethanol। अच्छा इसके बारे में लिखा गया है कि ये क्या है, कंफर्मेशन टेस्ट है, और अल्कीन या अनसेचुरेशन, इससे पहले भी आपको नहीं पढ़ाया था ब्रोमीन CCl को, ब्रोमीन रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्कीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, वो भी कंफर्मेशन टेस्ट था। बाकी किताब में यही है कि वो जो है वो क्या कंफर्मेशन टेस्ट है उसकी,
क्योंकि यहाँ पे तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, पहले सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद जाकर इथिन के साथ रिएक्ट करता है। देखो वहां पे इथिन का रिएक्शन डायरेक्ट किसके साथ हो रहा था, ब्रोमीन के साथ, और यहाँ पे ब्रोमीन का रिएक्शन पहले किसके साथ हो रहा है, पहले किसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ, और क्या बन रहा है, HBr और HOBr, उसके बाद HOBr इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मगर बुक में जैसे लिखा हुआ है इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर होता है, और वो ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डीकोलराइज हो जाएगा, ठीक है, ब्राउन कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डीकोलराइज हो जाएगा। डीकलराइज हो जाएगा। अच्छा ये तो क्या एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर कल कर लिया था, एडिशन मुझे लगता है एडिशन कल हो गया था। देखो अच्छा अब उसके बाद आते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर या उसको कहते हैं हाइड्रेशन, तो इथीन रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस इथेनॉल, या इथेनॉल, तो इसका मतलब है अल्केन की जब भी आप हाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल मिलेगा, इथीन से इथेनॉल, ठीक है, अल्केन से क्या मिलेगा, अल्केनॉल मिलेगा, जब उसके हम हाइड्रेशन करते हैं वाटर उसके अंदर ऐड करेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर क्या होगा, एज ए कैटलिस्ट यूज होगा। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, तो देखो इथीन, ये इथीन है, तो इथीन पहले रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देखो इथीन पहले किसके साथ रिएक्ट कर रही है, कैटलिस्ट के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इन कोल्ड, कोल्ड में। अच्छा एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ओ एच तो सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पहले एच लगेगा दूसरे कार्बन पे क्या लग जाएगा, ओ एच तो भी एच लगेगा और बन जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, देखो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया, एक कार्बन पे लगा एच, दूसरे पे लगा ओ एच, तो क्या बन गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ओ एस ओ 3 एच यहाँ पे लग गया, ये बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिला है कोल्ड में। अगर आप हीट नहीं देंगे तो ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं, अगर आप हीट नहीं देंगे तो प्रोडक्ट ये होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ओ एस ओ 3 एच, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट उसको बॉइल करते हैं वाटर के साथ, किसके साथ बॉइल करते हैं, वाटर के साथ। अब ओ एस ओ 3 एच निकलेगा इसी जगह पे, ओ एच लगते हैं, ये ओ एस ओ 3 एच, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इसी जगह पे क्या लगेगा,
CH3 CH2 OH ये बन गया इथाइल कोल, इथाइल कोल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड कैट में सर लास्ट में क्या हो गया ये से अलग हो गया। तो इसका मैकेनिज्म यही कहते हैं कि पहले अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है उसके बाद उसको बॉइल करेंगे किसके साथ वाटर के साथ। अच्छा अगर आप डायरेक्ट क्रिएशन करवाना चाहते हो तो भी अपनी मर्जी है, मैं लेकिन ना लिखो आपको सबको बोलते प्रोटीन ये प्रोटीन है प्लस वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है। हीट देंगे आप लोग क्या मिलेगा डायरेक्ट क्लोरिनेशन। अच्छा तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होगा नेगेटिव पार्ट वाटर का कौन सा OH वो उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ हाइड्रोजन लीस्ट में इसका मतलब है OH लगेगा इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव पार्ट क्योंकि मॉलिक्यूल को सिंपल कहते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है अल्कीन ये जो अनसिमेट्रिकल है प्रोपीन क्योंकि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ क्या है दो हाइड्रोजन की एक मॉलिक्यूल है अल्कीन अनसिमेट्रिकल है जो रिएजेंट आप ऐड कर वाटर वो भी है अनसिमेट्रिकल तो क्या होगा OH लगेगा बीच वाले कार्बन पे और OH लगेगा इस कार्बन पे ठीक है तो ये बन जाएगा CH3 CH यहाँ पे क्या लगेगा OH तो बन जाएगा 2 प्रोपेन मोल 2 प्रोपेन मोल। अच्छा तो एडिशन रिएक्शंस हो गए कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो अल्कीन तीन किस्म के रिएक्शन देता है एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अच्छा दूसरे है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अब इसमें पहले पढ़ेंगे इप ऑक्सीडेशन देखो इप ऑक्सीडेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ईथर साइक्लिक ईथर ठीक है बनेगा तो देखो इथीन अच्छा इथीन है ये उसको रिएक्शन कराते हैं पर एसिडिक एसिड के साथ किसके साथ रिएक्शन कराते हैं पर एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या है सी स्त्री सी डबल पर ऑक्सी एसिडिक एसिड पर ऑक्सी एसिडिक एसिड पर ऑक्सी एसिडिक एसिड में एक ऑक्सीजन ज्यादा है। अच्छा वो जो ज्यादा ऑक्सीजन है ना वो इसको क्या करेगी ऑक्सीडाइज कर देगी और बनेगा साइक्लिक ईथर। देखो ये बन जाएगा इथिलीन इपॉक्साइड इपॉक्साइड या इपॉक्सी इथेन या इथाइन ऑक्साइड इसको पढ़ते हैं। अच्छा दूसरा क्या मिलेगा एसिडिक एसिड एसिडिक
एसिडिक एसिड, तो एक तो ये रिएक्शन है पर ऑक्सी एसिडिक एसिड यूज करते हैं, दूसरा यूज करते हैं पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखो ये प्रोपीन हमने लिया है, प्रोपीन और प्लस में पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड C6H5C11O, ये ले पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, देखो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें भी ऑक्सीजन जो जाती है वो इसको क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। क्या बन गया इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है इपॉक्सी प्रोपेन या प्रोपाइल ऑक्साइड या प्रोपाइल इपॉक्साइड। अच्छा दूसरा क्या बन जाएगा C6H5C11H बेंजोइक एसिड बन गया। दूसरा क्या बन गया बेंजोइक एसिड। तो ये दोनों कैटर्स नहीं है मगर ये रिएक्शन है। अब कैटर्स भी यूज होता है इसके अंदर, देखो पंजाब की बुक में है इथीन प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन का इन द प्रेजेंस ऑफ कैटर सिल्वर ऑक्साइड हीट देंगे, सिल्वर ऑक्साइड कैटरिस्ट है, सिल्वर ऑक्साइड क्या है कैटरिस्ट। अब क्या होगा ये जो हाफ मोल है ऑक्सीजन का मतलब एक एटम ऑक्सीजन का वो इसको क्या करेगा ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या बन जाएगा इपॉक्सी अच्छा ये जो इपॉक्सी अल्केन है इससे बनता है ग्लाइकोल। क्या बनता है ग्लाइकोल बनाने में यूज होता है, क्या बनाने में ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल जैसे इसे बन सकता है इथाइलिन ग्लाइकोल 1,2-10-1। तो इसका मतलब ये जो इपॉक्सी अल्केन है इससे हम क्या बना सकते हैं ग्लाइकोल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ग्लाइकोल मतलब 1,2-10-1 या समझिए विसिनल डाइओल भी कह सकते हैं इसको, विसिनल डाइओल क्या मतलब दो मोल ग्रुप लगेंगे एडजेसेंट कार्बन पे। अच्छा अब आते हैं दूसरा नंबर पे, ये भी ऑक्सीडेशन है इसको हम कहते हैं हेड्रो ऑक्सीडेशन। हेड्रो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा, जहां पे डबल बॉन्ड कार्बन है वहां पे डबल बॉन्ड टूटेगा ओच ग्रुप लगेंगे। देखा हेड्रो ऑक्सीडेशन क्या लिखा हुआ है, हाइड्रो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ओच ग्रुप लगेगा इथाइल ग्लाइकोल बन जाएगा विसिनल डाइमोल बनेगा विसिनल डाइमोल। देखो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन विद डाइमोल 1% अल्कलाइन KMnO4। देखो रिएक्शन किसके साथ 1% डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, इसको कहा जाता है वैलेंस रिएजेंट। क्या कहा जाता है वैलेंस रिएजेंट भी बोला जाता है। अच्छा टेस्ट और अनसैचुरेशन
ये अनसैचुरेशन का टेस्ट भी होता है, क्योंकि पर्पल या पिंक कलर आपके में नपोर डीकलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा कलर का, जो पिंक कलर पर्पल कलर वो डीकलराइज हो जाएगा। अच्छा किसके अंदर अनसेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, किसके अंदर लिखा हुआ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन का टेस्ट है। अच्छा अल्किन इज ऑक्सीडाइज्ड टू विसिनल डाइगोल, किसमें विसिनल डाइगोल का मतलब एडजेसेंट कार्बन पे वो चलू लगे एंड के मेन फोर इज रिड्यूस। टू MnO2 एक्चुअली मैं बता रहा बेसिक मीडियम में Kn प्रोड्यूस MnO2 में होता है, अगर मीडियम एसिडिक होता तो Mn आइंस बनते, क्या बनते Mn आइंस बनते, Mn2 आइंस बन जाते, मगर ये कौन सा है अल्कलाइन है ना Kn4, तो अल्कलाइन Kn4 किस में रिड्यूस होता है MnO2 के अंदर, MnO2 के अंदर। ठीक है चले। अच्छा अब आते हैं स्टेशन की तरफ, तो देखो इथीन इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट, तो ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है हाइड्रो ऑक्सीडेशन, क्या लिखा हुआ हेडिंग में हाइड्रो ऑक्सीडेशन का मतलब है एक ओ जो इसके लगेगा एक इसके लगेगा और ये रिएक्शन होगा कोल्ड के अंदर, आर्ट के अंदर नहीं होगा कोल्ड के अंदर होगा, आर्ट में कुछ और बन जाएगा, ये रिएक्शन कोल्ड में होगा। तो इसका मतलब है ये जो अल्किन है वो रिएक्शन करती है किसके साथ डाइल्यूट 1% अल्कलाइन केवन फोर के साथ इन कोल्ड टू तो प्रोड्यूस इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या मिलेगा आपको इथाइलिन ग्लाइकोल। या 1.2 इथेन डाइओन। अच्छा अगर ये हो अल्किन, सुन लो आपके पास अल्किन ये है और इसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ केमिकल के साथ कोल्ड में, अब बताओ क्या प्रोडक्ट होगा इसके पेयर में हाइड्रोक्सीलेशन होगी, एक मोल को इधर लगेगा एक इधर लगेगा, ठीक है हाइड्रोक्सीलेशन करनी है इसकी क्योंकि ऊपर हेडिंग लिखी हुई ना हाइड्रोक्सीलेशन, तो क्या बन गया विसिनल डाइओन। क्या बन गया विसिनल डाइओन, ठीक है। अच्छा अब अगर कंडीशन ये हो रिएक्शन विद हार्ट अल्कलाइन केएमएल फोर, देखो रिएक्शन हार्ट अल्कलाइन केएमएल फोर तो क्या होगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, अब डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगी
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। इधर देखो, अच्छा के में फोर लिया है, मगर हीट दे रहे हैं इसको, तो बॉन्ड की ऑक्सीडेट क्लीवेज हो जाएगी, बॉन्ड बिल्कुल टूट जाएगा। अच्छा क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड, इससे भी बनेगा कार्बोनिक एसिड, इससे भी क्या बनेगा? तो कार्बोनिक एसिड के कितने मालिक मिलेंगे? दो, दो मालिक मिलेंगे कार्बोनिक एसिड, दो मालिक मिल गए फिर इसके कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे भी सपोज करते सी एच थ्री है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री टू ब्यूटीन, इसके आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हो, केवल फोर यूज करेंगे और हीट भी देंगे, तो क्या मिलेगा आपको? इसमें कितने कार्बन है? दो है ना, इधर बांध तो टूट जाएगा बीच में, बांध बीच में टूट जाएगा ना, ऑक्सीडेटिव लीवेज होगी, इससे भी एसिडिक एसिड, इससे भी एसिड, तो दो मालिक मिल गए किसके? एसिडिक एसिड। अच्छा अब आते हैं थर्ड, कंबशन रिएक्शन। देखो ईथीन की कंबशन करेंगे और ईथीन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, क्या मिलेगा हमें? बेटा ईथीन की कंबशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मोल? दो। वाटर में कितने मोल मिलेंगे? दो मोल कार्बन डाइऑक्साइड, दो मोल वाटर। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? चार है। इधर कितनी ऑक्सीजन है? दो है। इधर क्या लगेगा? थ्री लगेगी। अच्छा अब आते हैं ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस अपन की बेटा ओजोन के साथ देखी बढ़ाते हैं, और ओजोन आपको बताया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फॉर्म है, ऑक्सीजन का दूसरा रूप है, तो ओजोन लाइसिस ऑफ अल्किन प्रोड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या मिलेगा? कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेंगे, एल्डिहाइड कीटोन। अच्छा वो डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन, देखो ये इधर देखो कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इस पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है, इधर भी हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अच्छा इस कार्बन से धारण कितनी लगी है? दो है ना, इससे आपको मिलेगा फॉर्मेट के लिए, क्या मिलेगा? इस कार्बन से क्या लगी है? इससे मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता तो बन जाता है एस्टरडिहाइड, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे एक एक कार्बन मिथाइल ग्रुप है, दूसरे कार्बन पे गया है हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा आपको? एस्टरडिहाइड। अगर यहाँ पे भी मिथाइल होता तो सपोज करते हैं इधर मिथाइल होता, यहाँ पे भी क्या होता, तो मिल जाता है एसी, क्या मिल जाता है? तो यहाँ अल्किन को देख करके आप बता सकते हैं कि आगे कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, अगर इस पर ब्रांचेस हैं मतलब अल्काइल ग्रुप लगे हैं, इस पर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी ओसीटोन, इस पर एक अल्काइल ग्रुप, इधर एक हाइड्रोजन, तो अल्डिहाइड, दोनों हाइड्रोजन
तो फार्मर ये तो अल्किन को देखकर बता देगा आप लोगों के डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कितनी ग्राम से भी अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये पता चल जाएगा। अगर इस पर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पर इधर भी अल्काइल ग्रुप हो, इधर भी क्या हो, तो यहाँ से एसीटोन मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, फॉर्मेलिटी में। अरे इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसको बनाने चलते हैं। पहले आप देख सकते हैं ओजोन के साथ, ओ थ्री के साथ तो मिलेगा मोलोजोनाइट, क्या मिलेगा, मोलोजोनाइट मिलेगा, अनस्टेबल, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है मोलोजोनाइट। अनस्टेबल इसकी रीअरेंजमेंट होती जाती है, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के बाद बन जाता है ओजोनाइट। देखो ओजोनाइट, ओजोनाइट को ऐसे लिखा जाता है, किसके साथ मिल जाता है, जिंक और वाटर के साथ। बेटा देखो ये ओजोनाइट किसके साथ मिला, जिंक और वाटर, देखो ये एग्रीगेशन कंटिन्यू है, जिंक और वाटर के साथ ये करेगा, तो बांड की ब्रेकिंग कैसे होगी, इधर से देखो बांड कैसे ब्रेक होगा, इधर देखो यहां से ऑक्सीजन निकल गई है, यहां से ऑक्सीजन क्या हो गई है, निकल गई, ये मिलेगी वाटर के साथ, बनाएगी H2O2, क्या बनाएगी H2O2, मतलब ये जो ऑक्सीजन यहां से निकली वाटर के साथ मिलकर क्या बनाया H2O2। अच्छा ये बांड तो टूट गया, ये बांड तो ब्रेक हो गया, ये बांड भी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यहां पे क्या आएगा, डबल बांड आएगा, यहां पे क्या आएगा, डबल बांड आएगा, तो क्या बन जाएगा मतलब, क्या बनेगा, फॉर्मेलिटी बनेगा ना, क्योंकि सब बांड तो टूट गया, इस कार्बन का बांड भी टूट गया, इधर भी बांड, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बांड आएगा। अच्छा इस कार्बन और ऑक्सीजन का बांड ये टूट गया, इन ऑक्सीजन के बीच में बांड टूट गया, यहाँ पे भी क्या आएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, इसका मतलब फॉर्मेलिटी के दो मॉलिक्यूल मिलेगा, फॉर्मेलिटी के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, फॉर्मेलिटी के इतने। अच्छा अब क्या होगा, आगे ये जो जिंक है मिल जाता है H2O2 के साथ, क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, और दूसरा क्या बनता है, वाटर, जिंक ऑक्साइड बन जाता है और दूसरा वाटर, तो इसके कुछ रिएक्शंस रहते हैं, इंशाल्लाह कल मैं आपको पढ़ा दूंगा ये, उसके बाद पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद अल्किन आगे स्टार्ट कर लेंगे, जो रिएक्शन कराए ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस सामिल दो असान के मोनो